साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जेईई मेंस का है साथियों, और ये क्वेश्चन साथियों एक्चुअली 2004 में पूछा गया था मेंस में। बट साथियों कुछ और भी क्वेश्चंस लाया हूँ जो आज साथियों 2022 का है, मेंस और एडवांस में पूछा है। और आप लोगों को साथियों ये क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली बताना, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो ये साथियों जेईई का है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2004 में, और आई थिंक एक बार और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए क्या दिया हुआ है और क्या बनाना है, ठीक है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ साथियों, जो मैं शॉर्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा ही रिजल्ट्स आप ज़रूर याद रखें साथियों। साथियों एक रिजल्ट जरूर याद रखें, ये मैं लिख देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का साथियों जो डिटर्मिनेंट है, अगर ए टू दी पावर एन का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा साथियों, वो एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है उसको एन टाइम्स कर देंगे तो ये हमेशा ही इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, पहले डिटर्मिनेंट हमको ए दिया हुआ है साथियों, अल्फा टू टू और अल्फा। तो यहाँ से साथियों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये क्या देगा, अल्फा स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है ना। नाउ व्हाट एवर हमारे पास क्या गिवन है कि ए क्यू का डिटर्मिनेंट साथियों 1 to 5 है, और अभी आपने रिजल्ट्स यूज करा ए क्यू का डिटर्मिनेंट साथियों, इट बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू, ठीक है, और दिस इज गिवन 125, सो कैन आई राइट दिस। तो यहाँ से साथियों क्या हुआ, हमारे पास 3 इज गॉन, सो दिस बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5। नाउ सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्चुअली इज व्हाट यू आर गेटिंग हेयर, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और साथियों ये हमारा बना अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा साथियों, इधर आके 5, सो कैन आई राइट अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 5 + 3 बिकम्स 9, और सो कैन आई राइट ±3 का होल स्क्वायर, सो व्हाट यू आर गेटिंग साथियों, अल्फा इक्वल्स टू ±3। तो यही साथियों आपका क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो साथियों अल्फा का वैल्यू होगा ±3। साथियों ये अनदर क्वेश्चन है, और ये साथियों जो मैट्रिक्स का है इसमें डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज किया गया है, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। और साथियों मेरी कोशिश है कि आपको एक एक बातें इस क्वेश्चन का समझ में आए। ये साथियों 2022 मेंस में जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, 27 जुलाई को। तो आराम से देखें क्या चीज़ गिवन है एंड हाउ योर अप्रोच मस्ट बी साथियों, कैसा होना चाहिए। ये आपके पास ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू, और साथियों ये क्या है, 3x3 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग जरूर याद रखें कि एडजॉइंट ऑफ ए जो भी होता है साथियों, इसका जब भी हम लोग क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये रिलेशन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए एन माइनस वन, है ना, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट लिखे साथियों, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एन इज वॉट, ऑर्डर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसलिए कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। एक तो रिजल्ट आप ये याद रखें, सेकेंड रिजल्ट ये याद रखना है आपको कि साथियों के इंटू ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो के टू द पावर एन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। बस इस दो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे साथियों यूज करना है। सो देखिए आपके पास क्या गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ, ये साथियों एडजॉइंट ऑफ 24A, ठीक है, और ए एक मैट्रिक्स है अगर साथियों 3x3 ऑर्डर का है, तो 24 टाइम्स भी करेंगे तो उसका भी ऑर्डर इतना ही रहेगा। ए का ऑर्डर साथियों 3x3 है, तो कोई भी स्केलर मल्टीपल होगा तो इसका भी ऑर्डर साथियों 3x3 ही रहेगा, ठीक है। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ ऑर्डर की, आपको एक एक बातें समझ में आए। तो साथियों इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, और ये हमको गिवन भी है कि एडजॉइंट ऑफ ये इसको इक्वल है 3 times ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से बस प्रॉपर्टी को यूज करना है और ये अपने आप बनेगा। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यूजिंग दिस रूल, तो ए के जगह पे 24A है, तो 24A लिख देंगे साथियों, और इसका डिटर्मिनेंट चढ़ा देंगे, और उस पर पावर n माइनस वन, एन है हमारे पास यहाँ पे 3, ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3, सो 3 - 1 बिकम्स 2, है ना। नाउ कम टू दिस वन, अगेन सेम प्रॉपर्टी साथियों इस पर यूज कर दीजिए, ये हमारा
एज इट इज रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2A, ये हो गया। इस पे डिटर्मिनेंट चढ़ा दें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, सो 3-1 बिकम्स 2, सो राइट डाउन लाइक दिस वन। ठीक है, इज इट ओके? तो यहाँ तक हो गया। सो हम लोग एक 24A to the power 2, पावर नहीं कहें आप लोग, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, 3 times ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A, ये हमने ऐसे करा। नाउ हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को यूज करना है। अगर आपको याद हो साथियों, के ए का डिटर्मिनेंट जब भी लिखते हैं तो K to the power n, यानी जो और द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सो 24 to the power, सो ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट, 3, सो राइट डाउन लाइक 3। सो 24 to the power 3, 3 कहाँ से आया साथियों, 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने ये लिखा। और उस पर साथियों स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो हम लोग स्क्वायर पूरी पे चढ़ाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 24A का डिटर्मिनेंट आया, वो क्या आएगा, 24 to the power 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और स्क्वायर था तो हमने पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया। अब साथियों ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इसको भी डेफिनेटली याद रखें, सेम टू सेम वैसा ही चलेगा। क्या करेंगे, 3 to the power, ये के टाइप का ये वर्क करेगा साथियों, 3 to the power ऑर्डर ऑफ, चाहे ए का साथियों मैट्रिक्स हो या एडजॉइंट ऑफ ए का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ के रहेगा, तो उसका भी ऑर्डर साथियों 3×3 ही रहेगा, है ना। सो इट बिकम्स 3 to the power 3 इनटू, इस पे एडजॉइंट चढ़ा दे साथियों 2A, ये क्या चलेगा इसका डिटर्मिनेंट, और पूरे पे होल स्क्वायर है, सो राइट डाउन लाइक दिस। थोड़ा सावधानी के साथ और काम कीजिएगा तो बन जाएगा, ज़्यादा धरफर कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो साथियों 24 to the power कैन राइट 24 3 to 6, और ये साथियों डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power square दोनों पे चढ़ गया यूजिंग द रूल XY to the power m, सो इट बिकम्स X to the power m Y to the power n, सो आई हैव राइट डाउन लाइक दिस वन। सो नाउ इट बिकम्स 3 to the power 6, और साथियों ये जो हमारा प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ 2A, ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 3 to the power 6। एडजॉइंट का क्या रूल होता है कि साथियों जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट, उस पर पावर कितना चढ़ जाएगा उसके ऑर्डर से एक लेस, तो 3-1 becomes 2, और उस पर होल पावर है 2, सो राइट डाउन लाइक दिस 1 2। कहाँ से मैंने लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है साथियों, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट A to the power n-1 यानी 3, सो राइट डाउन लाइक दिस 1। और यहाँ पे 2A है तब भी वही करेगा, क्योंकि ए का और एनी के टाइम्स स्केलर मल्टीपल का ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक बात आप समझ गए होंगे। नाउ कैन आई राइट, साथियों यहाँ से आपको दिख रहा है कि 24 to the power 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर, आपको इसी का वैल्यू भी चाहिए। यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, 3 to the power 6, है ना, और साथियों 3 to the power 6 मिला। और यहाँ से देखिए ये क्या मिलेगा, अब 2A का डिटर्मिनेंट पहले इतना का निकाल दीजिए, 2A का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 2 पे पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A ये बनना है, तो 2 पे पावर 3, तो यहाँ से कहना राइट 2 पे पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, सिर्फ इसका बना है डिटर्मिनेंट, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़े, इसका एक और स्क्वायर है तो 2×2 = 4 में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सो साथियों यहाँ से बना हमारा 24 to the power 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर इक्वल्स टू 3 to the power 6, 2 पे, यहाँ पे साथियों पावर का पावर मल्टीपल तो 12 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट 8 to the power 4 बन जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको एक भी बातें समझने में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम साथियों क्रिएट कर सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को आगे करवाता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ साथियों। ये आपको दिख रहा है कि ये हम इस रिजल्ट को यहाँ तक लेके आए हैं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं साथियों, कैन आई राइट, ऐसा लिख सकते हैं 24 to the power 6 है साथियों, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर इक्वल्स टू 3 to the power 6 और 2 पे पावर 12 में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A to the power क्या है, 4 है, तो राइट डाउन लाइक 4। चलिए साथियों कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए को एक्स लेट कर लें, तो X² और X 4, तो यहाँ से साथियों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्केयर। सो हमारे पास क्या बचा,
ये हमारा बचा 3 to the power 6, 2 to the power 12 into determinant of a square. और आपको यही पूछा कि what should be the determinant of a square, so can I write 24 to the power 6 upon 3 to the power 6, 12 to the power 2. ठीक है, यह चलिए आप जो चीज़ यहाँ पे कट सकता है इसको काट देते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 into 8 to the power 6 अपॉन 3 to the power 6 into 12 to the power, कितना है 12 to the power, साथियों सॉरी 12 बोल रहा हूँ, ये 12 नहीं होगा 2 होगा, 2 to the power 12, सो 2 to the power 12, 2 to the power 12, सो यहाँ से बना 3 to the power 6 into 8 to the power 6 बाई 3 to the power 6 into 2 पे पावर 12. साथियों ये खत्म हो गया, यहाँ देखिए 8 to the power 6 बाय 8 to the power 6 अपॉन 12 2 to the power 12, साथियों 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, 6 है ना, और 2 to the power 12 तो है ये, तो 2 to the power 18 अपॉन 2 to the power 12, तो यहाँ साथियों 6 हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो 6, सो दैट बिकम्स 2 to the power 6. ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी था, बस आप रूल को एक एक रूल को साथियों अच्छे से सॉल्व फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मैंने अपने मन से बताया जो आपको बोदर कर सकता है, बस और बस सिर्फ आपको प्रॉपर्टी साथियों आपको यूज करना है. ठीक है, और चलिए ये हो गया, एक अनदर क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया ये उस क्वेश्चन ने, साथियों पेपर में अगर रिजल्ट याद रहेगा तो डेफिनेटली बहुत ईजी से बनेगा. ठीक है, और साथियों 2023 का एक क्वेश्चन जो पूछा था एडवांस का, बिल्कुल इसी टाइप पे ही था, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा था साथियों, ये वाला देखिए 2022 मेंस में जुलाई में पूछा है, सेकंड शिफ्ट में. साथियों कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक क्या कह सकते हैं, पजल में डाल देता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग आइडिया आपको अपनाना पड़ता है, तो यही क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया था. ये है साथियों 4-2 अल्फाबीट टाइप मैट्रिक्स दिया 2x2 का, पूछता है कि ए स्केयर प्लस 4a + 18 इक्वल्स 0, देन आपको बताना है व्हाट शुड बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है. बहुत सारी बातें आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि सर ये जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के टाइप का दिख रहा है, तो टाइप का दिख रहा है तो हम पहले देखते हैं कि डज इट फॉर्म अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और नॉट. साथियों ये हमारे पास है 4-2 अल्फाबीट, देखिए यहाँ पे क्या है, देर इज़ नॉट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द अल्फाबीटा, व्हाट इज़ द अल्फाबीटा, ठीक है ना, हाउ यू कैन फाइंड, सो देर इज़ नथिंग गिवन. तो साथियों क्या करना है आराम से समझें और क्या गिवन है वो भी समझ लें. ए स्केयर प्लस 4a + 18 आई से मल्टीप्लाई करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ चूंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो 18 टाइम्स किस है ना प्रिंसिपल डायगोनल पे आ जाएगा 18 18, क्योंकि एंटायरली एक मैट्रिक्स बनेगा. साथियों आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एनिलेट करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है सार साथियों जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन क्या बोलते हैं साथियों, मैं इसका वो भूल रहा हूँ नाम, शायद हैमिल्टोनियन ही बोलते हैं. तो साथियों यहाँ से आप पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करें, कैसे निकलेगा आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना इक्वल्स जीरो, ये होना है. चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो जाएगा, 4 + β, इसका 4 + β क्या हो गया ट्रेस, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 4β - -+2α, ठीक है इक्वल्स टू 0, ये दिया है. साथियों यहाँ से अगर सपोज आपने इसको अभी सेकेंड मत मानिए, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो ए मस्ट बी एक्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन, सो कैन राइट 4β into a + 4β + 2a इक्वल्स टू 0. साथियों ये आपका सेकेंड बना, लेकिन थोड़ा सा आप जब दिमाग लगाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगा. एक तो यही कह सकते हैं सर हम इससे कंपेयर कर लें, चलो ठीक है कंपेयर कर लोगे तो क्या क्या मिलेगा, कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलता है कि -4 + β साथियों इक्वल्स टू आपको मिला 4, सो राइट डाउन लाइक दिस वन, सो यहाँ से साथियों देखिए तो बीटा क्या बनेगा, इधर -4 इधर आके +8 तो 8 हो गया, सो बीटा बिकम्स -8, मतलब अल्फा और बीटा का कोई रोल है कि नहीं ये भी आप देख सकते हैं पेपर में, क्योंकि इस टाइप का भी दिमाग चलेगा. और ये साथ ही हमारा बना 4β + 2α = 18,
तो बीटा है -8, सो -32 हो गया, इधर आके +32, सो 2α = 80 + 32 पॉजिटिव का साथियों ये बन गया हमारा आई थिंक 50 बना, और अल्फा हमारा बना 25। मतलब क्वेश्चन में अगर पूछता अगर अल्फा कितना है बीटा कितना है तो इसके साथ भी आप आ सकते थे, ठीक है ना। चलिए ये तो बन गया आपका। अब साथियों हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्चुअली आप अगर गौर से देखेंगे तो एक लाइन में ही इसका डिटर्मिनेंट बन जाना है, फिर भी हम देख लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या बनता है साथियों। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली 4β - -+2α, है ना। और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें आप लोग, 4 × β की जगह -8 + 2 × α है साथियों 25, सो -32 + 50, सो दैट बिकम्स 18, सो आंसर इज व्हाट 18, ठीक है। बेसिकली ऐसे करना है, बहुत सारे ऐसे भी आपको ऑथर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्ट करा हुआ है, बट दे आर नॉट पुटिंग एनी लॉजिक, दे आर डायरेक्ट राइटिंग लाइक दिस वन, ठीक है ना। सो दे सपोज आपने कंपेयर करा साथियों, इससे आप कंपेयर जब भी करेंगे इससे, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस है, सो देर आर सम मिसकंसेप्शंस, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि है ना जो चीज़ें दिया गया आँख मूंद के उसको फॉलो करें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो एक प्रोसेस है उससे आप भी जाएंगे, थोड़ा टाइम भले लग जाए, एक मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, बट आप सही से करके आएंगे और फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आपने जो भी अटैम्प्ट किया साथियों बिल्कुल 110% सही करा है, ठीक है। तो साथियों ये है इसका 18 आंसर है, और ये हमने प्रोसेस के थ्रू गया है। कुछ भी आपको डाउट हो समझने में कि सर मतलब आपने रिजल्ट्स कैसे यूज किया है, या कुछ भी पूछना हो तो इसको ज़रूर आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि हमने रिजल्ट क्या क्या यूज किया। साथियों हमने बेसिकली पहला यूज करा रिजल्ट कि a^n अगर होता इज द मैट्रिक्स, और किसी भी साथियों n टाइम्स करा जाएगा, तो एक तो पहला प्रॉपर्टीज ये है। सेकेंड साथियों आपको याद रखना है एडजॉइंट ऑफ ए का जब भी डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a^n-1, और n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और थर्ड साथियों जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे बेसिकली यूज किया गया है, वैसे तो आपने है ना ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2×2 का आपको बहुत अच्छे से आता होगा निकालने के लिए। 2×2 का साथ ही हम लोग जब भी कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो क्या होता है x² - trace ऑफ ए इंटू एक्स प्लस साथियों डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये बिल्कुल इसी को यूज किया गया है थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। और इसी बेस पे साथियों देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो ये रिजल्ट आप डेफिनेटली याद रखें। रिजल्ट ऑलवेज हेल्प्स यू एंड मोर ओवर इट ऑलवेज कंज्यूम्स है ना लेस टाइम, ठीक है ना, बहुत ही टाइम कम कंज्यूम करेगा और आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। साथियों कैसा लगा वीडियो डेफिनेटली अपना कमेंट करके बताना, और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई विल पुट अप मच मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर और जम के मेहनत करें साथियों।